अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स आर द इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। प्रियॉन्स क्या हैं? मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, यानी रॉन्गली फोल्ड हुई हुई, रॉन्ग अरेंजमेंट हुई हुई प्रोटीन्स होती हैं, और ये इन्फेक्शन काज करने की सलाहियत रखती हैं। वैसे तो हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन काज करने की सलाहियत रखते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह, क्योंकि वो रेप्लिकेट करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में शिफ्ट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर एबल टू काज डिजीज़। बट ऐसी प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं जिन्हें प्रियॉन्स प्रोटीन कहा जाता है, और वो क्या करती हैं? इन्फेक्शन काज करने की सलाहियत रखती हैं, इसलिए इन्हें इन्फेक्शियस मिसफोल्डेड प्रोटीन्स कहा जाता है। और ये कौन सी डिजीज़ काज करती हैं? ये न्यूरोडिजनरेटिव डिजीजेस काज करती हैं मैमल्स के अंदर। न्यूरोडिजनरेटिव डिजीजेस ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनमें न्यूरॉन सेल्स की डिजनरेशन हो जाती है, न्यूरॉन सेल्स डाई होना शुरू हो जाते हैं। और आप जानते हैं न्यूरॉन सेल से हमारा नर्वस सिस्टम मिलकर बना होता है, और नर्वस सिस्टम जब उसमें सेल्स डाई होंगे तो हमारा कोऑर्डिनेशन और हमारे मेमोरी और बहुत सारे सिम्टम्स इससे अपीयर होंगे जो आगे अभी हम स्टडी करने वाले हैं। सो प्रियॉन डिजीजेज मोस्टली न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेज काज करती हैं मैमल्स के अंदर। ओके, प्रियॉन का जो वर्ड है ये कहाँ से निकला? ये निकला है प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, इसलिए इन्हें पार्टिकल्स कहा जाता है। इन्फेक्शियस क्योंकि ये इन्फेक्शन काज करती हैं, कोई डिजीज़ काज करने की सलाहियत रखती हैं, इसलिए इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होती हैं। और प्रोटीनेशियस ये प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। सो यहाँ से प्रियॉन का वर्ड एराइज हुआ है। नाउ यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि प्रोटीन्स जो हैं ये कैसे एबल होती हैं, ये कैसे रेप्लिकेट करती हैं, ये कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं। अभी तक जो सबसे सिंपलेस्ट लिविंग क्रिएचर है जिसे वायरस कहा जाता है, उसमें भी कम से कम डीएनए और प्रोटीन के साथ डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। सो प्रोटीन्स कैसे एबल होती हैं डिजीज़ काज करने के, तो ये साइंटिस्ट को बड़ा पजल कर रहा था। और ये रीसेंट डिस्कवरी है प्रियॉन की, इतनी पुरानी बात नहीं है। तो साइंटिस्ट बड़े पजल थे कि प्रियॉन कैसे रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में फिर साइंटिस्ट को एक ब्रेक थ्रू मिला, उन्हें समझ में आई कि प्रियॉन्स जो इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअली में हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ये प्रोटीन एक्चुअली प्रियॉन इज़ अ नॉर्मल प्रोटीन प्रेजेंट इन कॉमनली इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन सेल्स। हमारी बॉडी के जो न्यूरॉन के सेल्स हैं ना, उनकी सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे प्रियॉन कहा जाता है। ये वर्ड पहले तो इन्फेक्शियस यानी डिजीज़ फॉर्म ऑफ प्रियॉन से निकला है, और साइंटिस्ट को बाद में समझ आया कि इसी अमीनो एसिड की सीक्वेंस की एक और नॉर्मल प्रोटीन भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है न्यूरॉन सेल्स में। और इस प्रोटीन का फंक्शन वैसे तो क्वाइट श्योर नहीं है, बट ये माना जाता है कि ये प्रोटीन साइनेप्सिस का फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी न्यूरॉन्स को आपस में ज्वाइन करने का फंक्शन परफॉर्म करती है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्स में हेल्पफुल होती है। तो साइंटिस्ट को समझ में आया ओके, हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्रियॉन प्रोटीन भी प्रेजेंट है, और उससे शायद ये जो इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्रियॉन प्रोटीन उससे म्यूटेट होकर या चेंज होकर बनी है, और ये अब प्रोटीन जो है इन्फेक्शन काज करने की सलाहियत रखती है। तो कैसे इन्फेक्शन काज करती है ये अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। सो स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि नॉर्मल प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, और जो इन्फेक्शियस प्रोटीन है प्रियॉन उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये आ गई नॉर्मल प्रोटीन की स्ट्रक्चर, जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, और ये मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। ये आ गई हेलिकल स्ट्रक्चर, मोस्टली हेलिकल स्ट्रक्चर, और इसे पी आर पी सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रियॉन प्रोटीन सी फॉर कॉमन और सेलुलर। सो ये कॉमन और सेलुलर प्रियॉन प्रोटीन है जो गुड फंक्शन परफॉर्म कर रही है हमारी बॉडी के अंदर। अब बिकॉज ऑफ सम रीज़न, वो म्यूटेशन हो सकती है या और कोई रीज़न, ये प्रियॉन जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन है ये कन्वर्ट हो जाती है इंटू इन्फेक्शियस प्रियॉन प्रोटीन। ये अब कन्वर्ट हो चुकी है इन्फेक्शियस प्रियॉन प्रोटीन, और इसकी स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, हेलिकल से ये स्ट्रक्चर शीट लाइक हो चुकी है, इस तरीके से शीट लाइक स्ट्रक्चर बन चुकी है, और इस स्ट्रक्चर को बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर कहा जाता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर जो है चेंज हो चुकी है हेलिकल से बीटा प्लीटेड शीट में। अब आप जानते हैं जब प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज होती है तो उसका फंक्शन भी डिसरप्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती।
तो हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल फिनोमेना होता है जिसके ज़रिए जो इन्फेक्शियस प्रोटीन है वो कन्वर्ट बैक हो जाती है इनटू ओरिजिनल फॉर्म ताकि वो फंक्शन परफॉर्म कर सके। और अगर नहीं हो सकती तो एक एंजाइम होता है प्रोटीएज, वो एंजाइम उस प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है और वो उस प्रोटीन को ख़त्म कर देता है। बट ये जो प्रियॉन प्रोटीन होती है ये रेजिस्टेंट होती है प्रोटीएजेस के, ये प्रोटीएज एंजाइम इस प्रोटीन को किल नहीं कर सकते, डिग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ी सख्त जान सी होती है। और ये जो एबनॉर्मल या इन्फेक्शियस प्रोटीन है इसे PrPSC कहा जाता है। प्रियॉन प्रोटीन SC डिराइव हुआ है स्क्रैपी से, जो कि एक डिजीज़ है जो शीप में प्रेजेंट होती है प्रियॉन की वजह से, जो डिजीज़ काज होती है। ओके, अब ये जो इन्फेक्शियस प्रियॉन प्रोटीन है इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये जो नॉर्मल प्रियॉन्स प्रोटीन्स हैं जो गुड फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनको अपने जैसा बना सकती है। सो एक्चुअली में ये रेप्लिकेट नहीं हो रही होती, क्योंकि प्रोटीन रेप्लिकेट हो ही नहीं सकती विदाउट न्यूक्लिक एसिड, राइट? तो एक्चुअली में ये रेप्लिकेट नहीं हो रही होती, ये क्या करती है, हमारी बॉडी के न्यूरॉन के सेल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हैं जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन्स हैं, उनके साथ जाकर अटैच होती है और उनको जो है अपने जैसा बना देती है, क्योंकि ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में इसमें बॉन्ड बनाने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो ये इसके साथ अटैच होगी, इसकी भी अरेंजमेंट बॉन्डिंग की वजह से चेंज हो जाएगी, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस प्रोटीन जिसे प्रियॉन कहते हैं। सो इट हैज़ द एबिलिटी टू मेक बॉन्ड विद अदर नॉर्मल प्रोटीन प्रियॉन प्रोटीन एंड कन्वर्ट देम इनटू मिसफोल्डेड प्रियॉन प्रोटीन। हो गया क्लियर यहाँ तक आपको? ओके, तो फिनोमेना देखते हैं, ये एक इन्फेक्शियस प्रियॉन प्रोटीन है, रेड कलर में आप इसकी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। सपोज ये एक इन्फेक्शियस प्रियॉन प्रोटीन है, ये क्या करती है, नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाती है और उसे भी अपने जैसा इन्फेक्शियस कर लेती है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल अरेंज हुई तो दो एबनॉर्मल या इन्फेक्शियस प्रियॉन प्रोटीन बन चुकी हैं। फिर ये और नॉर्मल प्रोटीन के साथ अटैच होंगी और जो हैं एबनॉर्मल या इन्फेक्शियस प्रियॉन प्रोटीन्स बनती जाएंगी। तो इस तरीके से एग्रीगेट्स बनते जाते हैं, क्लस्टर बनते जाते हैं, जमकटे से बनते जाते हैं जो कि एबनॉर्मल या इन्फेक्शियस प्रियॉन प्रोटीन्स होती हैं। और इन जमकटों की वजह से, इन एग्रीगेशन की वजह से, इनके एक्यूमुलेशन की वजह से, सेल्स में इकट्ठे होने की वजह से, क्योंकि न्यूरॉन सेल्स में ये ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, तो न्यूरॉन सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। न्यूरॉन सेल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, तो न्यूरॉन सेल्स के अंदर एक अपना ही फिनोमेना होता है जिसे एपोप्टोसिस बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ जिसे कहा जाता है। तो वो सेल डाई होना शुरू हो जाते हैं। अब वो सेल डाई होना शुरू हो जाएंगे तो न्यूरॉन सेल की डेथ की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम ठीक तरीके से काम करना छोड़ देगा, न्यूरोडिजनरेशन होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारी ब्रेन डिजीजेस हमें लगेंगी, क्योंकि ये प्रोटीन्स न्यूरॉन को डैमेज करती हैं। और मोस्ट न्यूरॉन, ज़्यादातर न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के ब्रेन सेल्स में प्रेजेंट होती हैं और इनकी एफिनिटी वैसे भी ब्रेन सेल्स की तरफ ज़्यादा होती है, तो ब्रेन में डिजनरेशन की वजह से डिजीज़ काज होती है, हमारा कोऑर्डिनेशन और बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो अब हम ज़रा डिजीज़ की तरफ चलते हैं। होपफुली आपको मैकेनिज्म क्लियर हो चुका होगा कि कैसे प्रियॉन की जो प्रोटीन है वो इन्फेक्शन काज करती है। ओके, प्रियॉन डिजीज़, प्रियॉन जो है एक कंडीशन काज करती है हमारे ब्रेन के अंदर जिसे स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी कहा जाता है। स्पॉन्जी फॉर्म निकला है स्पॉन्ज लाइक, स्पॉन्ज कैसे बोलते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें होल्स होते हैं, जैसे कि वॉशिंग डिश वाशर हो गया, डस्टर हो गया, इस तरीके से स्ट्रक्चर जो होती हैं वो स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर, स्पॉन्जी फॉर्म वहाँ से निकला है। इंसेफेलो मीन ब्रेन एंड पैथी मीन डिजीज़ प्रोसेस, यानी ब्रेन के अंदर डिजीज़ की वजह से स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस आ जाती है और ये डिजीज़ प्रियॉन की वजह से होती हैं। सो इस कंडीशन में बहुत सारी आगे डिजीज़ आ जाती हैं। पहले तो देखते हैं ये कंडीशन कैसे क्रिएट होती है, स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी कैसे अक्कर होती है। अब क्योंकि प्रियॉन की प्रोटीन की एक्यूमुलेशन की वजह से सेल की डेथ शुरू हो जाती है, सेल डाई होंगे, बहुत सारे सेल जोड़कर टिश्यू बनाते हैं, तो टिश्यू की डेथ होना शुरू हो जाएगी। सो ब्रेन टिश्यू डिजनरेट होना शुरू हो जाएंगे, टिश्यू की डिजनरेशन होगी, और क्योंकि प्रियॉन की जो है वो इनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, तो ये सिस्ट की फॉर्म में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, सिस्ट की स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे, सिस्ट फ्लूइड फिल कैविटीज होती हैं, तो सिस्ट बनना शुरू हो जाएंगी, पोर से या कैविटीज सी आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस मिलेगी आपके ब्रेन को। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ इसकी वजह से काज होती हैं। स्क्रैपी जो कि शीप में काज हो रही है, ठीक है, और स्क्रैपी में क्या होता है, न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज़ है। मैड काउ डिजीज़,
ये काऊ में ये डिजीज़ काज होती है, और ये जो दोनों डिजीजेज जो हैं ये ह्यूमंस में भी स्प्रेड हो सकती हैं अगर हम उन जानवरों का गोश्त खाते हैं। और ये प्रोटीन इतनी रिजिस्टेंट है कि ये हीट से भी इतनी जल्दी किल नहीं होती। ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो CJD, FI एंड कुरू जो हैं ये डिजीजेज भी प्रियन की वजह से काज होती हैं। क्रूएट्सवेल जैकब डिजीज़, फैटल इंसोमनिया एंड कुरू, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। CJD, क्रूएट्सवेल जैकब डिजीज़, इसकी फिर आगे तीन चार फॉर्म्स हैं। ये डिजीज़ मोस्टली जो है म्यूटेशन की वजह से काज होती है। ह्यूमंस का जो प्रियन प्रोटीन है उसमें DNA में म्यूटेशन होती है, और एक अमीनो एसिड की चेंज की वजह से पूरी जो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेंज हो जाती है, और फिर ये वाली जो प्रोटीन्स हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। आगे देखेंगे कैसे ट्रांसमिशन होती है। सो फर्स्ट ओरिजिन जो है मोस्टली म्यूटेशन से अराइज होती है। फर्स्ट टाइम ये डिजीज़ म्यूटेशन से अराइज होती है, फिर उस पर्सन से अगर दूसरे पर्सन में वो प्रोटीन एंटर हो जाती है तो उस पर्सन के अंदर भी वो डिजीज़ काज करने की सलाहियत रखती है। सो CJD बहुत कॉमन फॉर्म है प्रियन प्रोटीन की। देन फैटल इंसोमनिया आ जाता है, FI से रिप्रेजेंट करते हैं। इंसोमनिया बोलते हैं नींद ना आने की बीमारी होती है, और इसमें क्या होता है थैलामस जो है आपके ब्रेन का जो थैलामस वाला पोर्शन है वो ज़्यादा डिजनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से स्लीप कंट्रोल वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा कुरू जो डिजीज़ है ये सारी तकरीबन सिमिलर टाइप की डिजीज़ होती हैं, सिम्टम्स इनके सिमिलर होते हैं बट नाम डिफरेंट दिए गए हैं। कुरू जो डिज़ीज़ है ये न्यू गिनी इंडोनेशिया के पास है, कंट्री है, कॉन्टिनेंट्स है, उसके अंदर एक ट्राइब था, और वहाँ पर उनकी एक रस्म थी कि फ्यूनरल के वक्त कोई शख्स उनके यहाँ मरता था तो उसका ब्रेन जो है वो कुक करके खाते थे या उसका गोश्त कुक करके खाते थे। तो मैं भी उनमें से किसी बंदे के अंदर म्यूटेशन की वजह से प्रियन की डेवलपमेंट हुई, अब वो गोश्त उन्होंने खाना शुरू किया तो कुछ अर्से के बाद उनके अंदर एक डिजीज़ क्रिएट हुई, जनरेट हुई, जैसे कुरू कहा गया। कुरू निकला है ट्रेम्बलिंग से, यानी उनका कोऑर्डिनेशन कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो चुका था, उनकी बॉडी हिल रही थी, ट्रेम्बल कर रही थी जैसे कांप रही हो, तो वहाँ से निकला है। सो उस डिजीज़ को बोलते हैं कुरू, ये भी प्रियन की वजह से होती है। सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया तकरीबन सभी डिजीज़ के सिम्टम्स सिमिलर टाइप होते हैं। सिम्टम्स शुरू में तो डेकेड्स भी लग जाते हैं डेवलप नहीं होते, क्योंकि बहुत स्लोली ये डिजीज़ प्रोग्रेस होती है बॉडी के अंदर। कम से कम एक डेकेड लगता है, 10 साल लगते हैं इसकी डिजीज़ के सिम्टम्स अपीयर होने में, और कुछ बंदों के अंदर 20 साल, 30 साल, 40 और 50 साल भी लग जाते हैं इस सिम्टम्स के अपीयरेंस तक वंस डिवेलप। बट जब सिम्टम अपीयर हो जाते हैं तो एक साल के अंदर अंदर उस शख्स की डेथ काज हो जाती है, अकर हो जाती है। तो सिम्टम्स के बाद ये डिजीज़ बहुत सिवियर है। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग सिम्टम्स हैं क्या, चलने में डिफ़िकल्टी होती है, डेफिनेटली नर्वस सिस्टम जो है वो आपका उसमें ख़राबी आ रही है, तो नर्वस सिस्टम आपकी सारी कोऑर्डिनेशन, आपकी मेमोरी, सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। सो आपको चलने में दुश्वारी होगी, कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूज़ रहेंगे, आपका माइंड ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होगा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपका वॉलंटरी मसल में कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगा, मैं हाथ यहाँ पर लेके आना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर सही तरीके से नहीं आएगा, कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगा आपका। पुअर मेमोरी, आपका हाफ़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। बिहेवियरल चेंजेस, आपका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा। एंड डिमेंशिया भूलने की बीमारी बोलते हैं, आपको करते करते कुछ भी याद नहीं रहेगा, चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगी, और फिर सडनली एट द एंड आपकी डेथ अकर हो जाएगी। ट्रांसमिशन की तरफ चलते हैं कि डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर और वन पर्सन टू अनदर। There is a little difference between prion protein of different species, so they can transmit from one organism to another. Prion protein के अंदर बहुत कम difference होता है, तो ये एक organism से दूसरे organism में भी लग सकती हैं और एक species से दूसरी species में भी जा सकती हैं। एक organism से दूसरे organism का मतलब ये है कि हम scrapie या mad cow disease जो कि cow और sheep में present होती है, इनका गोश्त खाने से ये humans में भी ये disease transfer हो सकती है, या फिर ह्यूमन से जैसे कुरू वाले जो हैं ह्यूमन का गोश्त खाते थे, ब्रेन खाते थे, तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में गोश्त के जरिए ट्रांसमिट हो सकती है। और कौन से जरिए हैं जिनसे ट्रांसमिट होती है? ईटिंग इन्फेक्टेड मीट, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बाय ब्लड डोनेशन, क्योंकि न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, तो न्यूरॉन्स में ये ब्लड वगैरह में जो न्यूरॉन्स ब्लड वाले रास्तों में जा रही हैं न्यूरॉन्स, तो वहाँ पर भी ये प्रोटीन एक्यूमुलेट हो चुकी होती हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है।
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिनमें कॉन्टमिनेशन हो जाती है प्रियॉन प्रोटीन के साथ किसी ऐसे बंदे का की सर्जरी की जिसको प्रियॉन डिजीज़ थी, अब वो उसको आपने स्टरिलाइज नहीं किया तो सर्जरी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से किसी और बंदे की सर्जरी की तो वहाँ पर वो ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है, और जिस तरीके से और भी एड्स वाली डिजीजेज ट्रांसमिट होती हैं वहाँ उस तरीके से भी थोड़े बहुत चांसेस होते हैं इस डिजीज़ के ट्रांसमिट होने के। ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। नो ट्रीटमेंट बट सम मेडिकेशन स्लो डाउन द डिजीज़ बिल्डिंग प्रोसेस। अभी तक इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं आई बट कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इसकी प्रोग्रेस स्लो हो सकती है आपका, यानी ये जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो लेट हो सकता है। प्रिवेंशन की तरफ चलते हैं। फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक शुड बी कंसिडर, क्योंकि ये डिजीज़ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी हो सकती है, सो फैमिली हिस्ट्री भी इसमें बहुत मायने रखती है कि आपका अगर किसी बंदे को आपकी फैमिली किसी बंदे को प्रियॉन डिजीज़ है तो मैं भी आगे जो जनरेशन है या कोई और जो उसके करीब जो जनरेशन है उसके जीन में भी म्यूटेशन हो सकती है और ये डिजीज़ बिल्ट हो सकती है, तो टेस्ट करवा लीजिए, जेनेटिक टेस्ट होते हैं। प्रियॉन डिजीजेज आर वेरी रेयर बट स्टिल प्रिवेंशन इज़ नेसेसरी। प्रियॉन डिजीजेज बहुत कम होती हैं, बहुत रेयर हैं, बट स्टिल ये वाली प्रिवेंशन आपको लेनी पड़ेगी। ब्लड डोनेशन करते वक्त, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते वक्त, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसी सारी केयर जो आप किसी एड्स या हेपेटाइटिस की डिजीज़ के लिए परफॉर्म करते हैं वो सारी केयर्स आपको प्रियॉन डिजीजेज से बचने के लिए भी करनी पड़ेंगी। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।